तो दोस्तों यार आज काफी दिनों बाद सुबह 5 बजे उठ के तैयार हो जाता हूँ। मौसम देख रहे हो कितना बढ़िया है, सुबह उठने का नतीजा है। अपना सामान लेके घर के बाहर निकलते हैं, गाड़ी वाले भैया भी आ जाते हैं हमको स्टेशन छोड़ने के लिए। फिर अपने सामान को डिक्की में लोड करते हैं और हम लोड हो जाते हैं आगे वाले सीट। हल्की हल्की बारिश और मौसम का मजा लेते हुए निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। दोस्तों यार ये तो मैं बताया ही नहीं कि सुबह सुबह क्यों उठा था। सुबह इसलिए उठा था क्योंकि आज मुझे ट्रेन पकड़ा। आज का दिन कितना जबरदस्त है, क्या ही बोले, लिफ्ट भी चालू मिल गया स्टेशन। ट्रेन तो आई नहीं थी तो सोचा इधर उधर थोड़ा टहल लेता हूँ। ट्रेन का वेट करते करते दिमाग खराब हो गया यार, आज बहुत लेट कर रही है। आपके साथ ऐसा हुआ कि स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर ट्रेन खड़ी और वहीं खड़ी रह जाए? एक के बाद एक ट्रेन, एक के बाद एक ट्रेन आई और चली गई और हमारे ट्रेन का कुछ पता ही नहीं। भाई इस मालगाड़ी में साला इतना डिब्बा है, खत्म ही नहीं हो रहा था। एक के पीछे एक बोगी, एक के पीछे एक बोगी, बोगी के पीछे इंजन लगा के और फिर बोगी पे बोगी लगाए हुए। इंतजार करते करते हमें भूख लग जाती है तो पहुंच जाते हैं पेट पूजा करने। आखिरकार 150-200 साल बाद हमारी ट्रेन आई जाती है। अंदर सामान वामान फेंक के निकल जाते हैं काटो सेल्फी वेल्फी लेने के लिए। साला फोटो ले ही रहे थे कि ट्रेन हॉर्न मार देती है, दौड़ के निकल जाते हैं। हमने सीट बैठने के बाद याद आता है यार बिस्किट लिए थे, उसका भी भूख लगा। बिस्किट खत्म करके लेट जाता हूं हमने सीट पे। साइड लोअर बर्थ मिलना वरदान से कम नहीं है दोस्तों। 3-4 घंटे सोने के बाद भाई हमारी नींद टूट जाती है और उठ के बैठ जाता हूं। मैं पूरा ट्रेन ही बुक करा लिया। फाइनली अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।